जैसे कि आप दीपक जी ने बताई दिया होगा, वहाँ भगवती जो दुर्गा के मंदिर है, जो घर है, जो स्नान कर रही है, माँ जगदम्बा आप सभी पर कृपा बनाए रखे। माँ जगदम्बा के शारदीय नवरात्रि आप सभी के घर में खुशियाँ बरसाए और समस्त मनोकामना सिद्ध करें। माँ जगदम्बा आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। अपने प्रिया क्या कहते हैं, दीपक मंदिर जी आपको दर्शन तो कराते रहते हैं, इसके नाते जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, जो असमर्थ है वहाँ जाने में, उनके लिए दर्शन एकमात्र, क्योंकि हृदय से किया गया दर्शन, हृदय से किया गया दर्शन और सामने से किए गए दर्शन में कोई अंतर नहीं होता। और जब मंजूरी होती है ना, तब उस समय आप दर्शन चाहे हृदय से करें, वो हृदय के दर्शन ही आपको जो है भगवती के उस दर्शन को प्राप्त करा देगा, जो कि शायद जगदम्बा के मंदिर जाने से भी प्राप्त नहीं होगा। बस हृदय से वो दर्शन प्राप्त कीजिए। जय माता दी।
Thank you.
जन्मदा सभी को सुरगुट पर्वत वासिनी मास हो। और अभी हम लोग जो है मास उरकंडा के जो है दरबार में है, 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां सुरकंडा, जहां मां सती का जो है सर है मां सुरकंडा का। और इसके बाद जो है हमारा रात्रि का जो है मंडन कार्यक्रम है। और हम लोग जो है ऋषिकेश से करीब 5 बजे चलेंगे हम लोग ना, 5 बजे हम लोग चले। और उसके बाद जो है हम लोग जो है अभी जो है 1 घंटा पहले पहुँचे हैं मंदिर में। और ये मां सुरकंडा का जो है सुंदर बिल्कुल मनमोहक नज़ारा है इस मंदिर का, बहुत ही प्यारा मंदिर है। पहाड़ी संस्कृति से बनाया गया ये मंदिर जो है, बिल्कुल प्रवेश के पटाल से बिल्कुल सजाया गया है मंदिर को, बहुत ही प्यारा मंदिर लगता है रात को। इसका जो है मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं इसमें। और इसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम होगा मन्नान का। मन्नान करने के बाद जो है अपना जो है माता को जो है नृत्य होगा माता का, इस से प्रांगण में नृत्य होगा माता का। और फिर उसके बाद जो है सुबह को हमारा कार्यक्रम है कि भंडारे के बाद जो है हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपना। कुछ समय बाद आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आपको जो है परम श्रद्धेय आचार्य जगन्नाथ जी का भी जो है आपको इसमें दिखेगा प्रोग्राम आपका। तो जय माँ सभी को जो है मेरी तरफ से सभी को हमारी शुभकामनाएं, भगवत आप भी आए इस भव्य माँ सुरकंडा का जो ये सामने मंदिर है, बहुत ही कलाकृति से जो है बनाया गया मंदिर है। इसके सामने हम प्रांगण देख रहे हैं और उसके बाद जो है मेरी जो है दाईं तरफ जो है माँ काली का जो है मंदिर है, अभी जो है जाएंगे सब छोड़ने। और सामने इसके जो बगल में बिल्कुल जो है हनुमान जी का मंदिर है, मेरे परम प्रिय है। और जो है मैं अपना करता हूँ, हमारे कमल भाई भी आ गए फोटो शूट कर रहे हैं, कमल भाई भी लगता है भगत हैं। तो ये हनुमान जी महाराज हमारे हनुमान जी महाराज दंडवत प्रणाम जो है मेरा, कुछ कुछ आगे शिव जी की मूर्ति है, देवों को देव महादेव हमारे जो है विराजमान है, और शिवलिंग है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है सिद्धपीठ माँ सुरकंडा का के जस्ट सामने जो है, माँ सुरकंडा के द्वार के जस्ट सामने जो है शिव जी का जो है ये पवित्र मंदिर है यहाँ पे स्थापित। और ये शिवालय भी यहीं पर स्थापित है अपना। और जस्ट के जो है मेरे कार्यक्रम आप देख रहे हो, ये जो है हवन कुंड है यहाँ पे, जितने भी हवन का जो है कार्यक्रम होता है तो सामने ही हवन किया जाता है सभी भक्तों का जो है। और भंडारे का कार्यक्रम भी जो है इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा है, कल दिखाएंगे आपको, उस वीडियो में दिखा देंगे आपको भी भंडारे का जो कार्यक्रम किया जाता है। और ये वो विशेष जगह है जहाँ पे सभी की मन्नत पूरी होने के बाद जो है यहीं से नारियल को जो है फोड़ के जो है या छिलने के बाद जो है ले जाया जाता है मंदिर तक। और यहाँ पे जो है माता का जो प्रिय है रौसुली जो है वो यहीं से मिलती है, और यहाँ से लेकर जो है भक्त लोग जो है अंदर जाते हैं। बस हो गए, ये शिवालय है हमारा और हमारे बड़े भाई है डॉक्टर शिवचरण नौटियाल जी, ये जो है भाई जी बताएंगे आपको थोड़ा सा मंदिर के जो है संस्कृति हमारी जो है परंपरा के बारे में, थोड़ा सा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। यहाँ के बारे में क्या बताया जाए, ये तो भगवती का सिद्ध स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पे माँ जो सती है हुई, और सती जी का जो अंश सिर का जो स्थान है वो इस स्थान पे गिरा था, इसलिए इस मंदिर का और यहाँ का जो पर्वत का नाम है सुरकुट पर्वत, यहाँ भगवती का जो है सिर गिरा था जब दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ है, तो उस यज्ञ से आप सब लोग परिचित होंगे, कौन नहीं होगा। भगवती की सबसे बड़ी जो एक वो क्या कहते हैं महात्म है, वो अगर भगवती का स्वरूप को अगर कोई जानने की कोशिश करेगा तो यह है कि दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उससे कौन परिचित नहीं होगा और कौन उस महात्म को नहीं जानता होगा। उसी महात्म से पूरे भारत में जो 52 सिद्ध पीठ हैं उन्हीं सिद्ध पीठों में से एक भगवती सुरकंडा का ये सिद्ध स्थान है, जहाँ पे आज हम सब लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे दर्शन करने का, और वो भी भगवती के डोली के आदेश से हम सब लोग यहाँ पे यहाँ पहुँचे हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रांगण से इस मंदिर से कि सकल जगत का कल्याण हो, भगवती सबको प्रसन्न रखे, खुश रखे, और सबकी जिस जिस भावना से इस मंदिर में आए हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं इसी तरह ही कहूँगा, धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद भाई जी का, हमारे बड़े भाई का, और इनका जो है सानिध्य हमेशा जो इनका सब बना रहे हैं हम पे भी। और हम जो है जब भी भाई जी मिलते हैं कुछ नई चीज़ सीखते हैं भाई जी से, और हम मैं चाहता हूँ कि भाई जी जब भी हमसे मिलते हैं भाई जी कुछ नई चीज़ हमें बताते हैं, और हमेशा जो है अच्छा लगता है भाई जी से मिलना। कई बार भाई जी मिल जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। मैं
ये मानूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ये भगवती का ही आदेश होता है इस यहाँ तक पहुँचने का। और आशीर्वाद सब एक दूसरे के माध्यम है, माध्यम जरूर बनते हैं लेकिन भगवती के आदेश से ही है इस ऐसे पुण्य स्थानों पर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम क्या कह सकते हैं, भगवती का जैसे सब पे कृपा है और सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं जो है सभी से जो है जानूंगा इस वीडियो में जो है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग जो है कभी आपको समय मिले तो इस दिव्य स्थान पर आप जरूर आए और माँ सुकंडा का जो है आप दर्शन करें, दीदार करें माँ सुकंडा का। और ज़्यादा दूर नहीं, सुकंडा ऋषिकेश से जो है आपका 110-120 किलोमीटर पड़ेगा आपका। और कपूरथला के जो है ऊपर माँ सुकंडा जो है सुबह पर्वत पर विराजमान है, मंदिर है, माता का यहाँ पर, तो आप जरूर आए दर्शन के लिए। लोनी भाई के लिए मैं इतना कहूँगा, देखिए कि ये भी सौभाग्य है किसी को प्राप्त नहीं होता। अब भगवती की डोली जो है सारथी है ना, भगवती डोली के सारथी हैं। जहाँ भी भगवती की डोली जाती है और आप उसमें सारथी के रूप में सामान्य रूप से ड्राइवर बोलते हैं, चालकम है, भगवती के चालक हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इनका काम ही चालक हो, ये भगवती ने चुना है आपको। आपका जो क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र है, आपका जो भी जॉब है वो अपनी स्थान पर है, लेकिन जब भी भगवती का एक कहीं का भी आदेश होता है आप उपस्थित होते हैं। और मैं रोनी भाई को उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने सबको यही विराम दूंगा और विदा लूंगा आपसे। और दीपक भाई का अहम रोल है जन जन तक जो है माता की वीडियो पहुंचाने में, माता के जो सुंदर नृत्य है सुकंदा देव डोली के जो नृत्य हैं वो आप तक पहुंचाने में और जो है आपको हम तक जोड़ने में। तो दीपक भाई को सपोर्ट करते रहें आप लोगों के चैनल को। आप मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा है दीपक भाई मेहनत करते हैं इस चीज़ पर। शायद लगता है कि लोगों की आम वीडियो शूट किया और डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ में भी, इस फिल्म में भी बहुत मेहनत होती है। तो आप इस मेहनत को जाया ना करें, आपकी ही जो है आपके सपोर्ट से ही दीपक भाई जो है आगे जाएंगे। तो सपोर्ट करते रहें आप, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर जरूर कर दें आप लोग। बिल्कुल संकोच ना करें क्योंकि आप लोग वहाँ बैठे हैं और आपको वहाँ तक जो है दर्शन कराने का काम कर रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से जो है हमारे दीपक भाई। तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें, मेरी यही प्रार्थना है। मुझे भले ना करें आप लोग पर दीपक भाई को जरूर करें, दीपक बहुत अच्छे हैं और प्रिय हमारे। तो जय माता दी, जय। धन्यवाद भैया।